काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन कि सर जो भी पेपर आया आ रहा है सेप्टो में उसके अकॉर्डिंग पेपर आएगा या ऐसे क्वेश्चन वापस आएंगे या ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो देखिए दोस्तों ऐसा नहीं होता है क्योंकि रिपीट नहीं होते, पर मे भी कभी कभी हो भी जाते क्योंकि सिप्टे काफ़ी अपने पास अब की बार। ठीक है तो चलिए देखते हैं आज किस एग्ज़ाम है, आज देखते पेपर। यस तो आज इंग्लिश का था दोस्तों, इंग्लिश सब्जेक्ट का आज पेपर था और अब सीधा पेपर 9 तारीख को होने वाला है। सीधा 9 तारीख को पेपर होगा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का, फिर 17 तारीख को कॉमर्स वालों का पेपर होगा। ठीक है और जिन्होंने अभी तक दोस्तों UGC नेट वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो क्योंकि जल्दी ही आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है, नोट्स PDF यहाँ मिलेगी और साथ ही में जिन्होंने व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की पेपर के बारे में देखते हैं। देखिए पेपर का जो लेवल था दोस्तों मीडियम था, इतना हार्ड पेपर नहीं आया है। ठीक है लाइक मीडियम पेपर था क्योंकि इंग्लिश वालों का था तो इतना हार्ड नहीं होने वाला था। ठीक है मीडियम पेपर आया और काफ़ी अच्छा पेपर था, लाइक 60-70% स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया सारे क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, यहाँ बात किया तो फाइनली करेक्टरिस्टिक पूछ ली गए कि इसमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक सही है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से करेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन था संयम से था दोस्तों, ये एक लाइक एक संस्था है जहाँ से हमारा वो है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। और बात कर रिसर्च से दोस्तों हार्ड तो अभी भी आ रहा है और यहाँ पर फॉर्मेट के बारे में पूछा गया था। आज का एक क्वेश्चन था जो फॉर्मेट के ऊपर अकॉर्डिंग था कि फॉर्मेट क्या है, रिसर्च का फॉर्मेट कैसा होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। और जो पैराग्राफ दोस्तों 5 क्वेश्चन आए थे पैराग्राफ में और लास्ट में स्पेलिंग का वो जो आपको पता होगा पूछा गया था, तो इतना ईजी ही था। अब बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश वालों के लिए तो अच्छा था, पहले आप वेरियस पूछे गए थे दोस्तों। वेरियस तो ये कंटिन्यू क्वेश्चन चल रहा है, आई थिंक 3 बार ही क्वेश्चन आ चुका है वेरियस का। देखिए सेम क्वेश्चन नहीं आता पर फॉर्मेट चेंज हो जाता है। अगली बात करते हैं 5 यूनिट जो मैथ और रीजनिंग की है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 4-5 पूछे गए, हार्ड टाइप के थे दोस्तों। यहाँ पर टाइम के बारे में पूछा गया था कि कितना टाइम लगता है, तो ये से क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा हमारे लिए हार्ड होता है। अगर नंबर सीरीज आई थी, नंबर सीरीज हम कर सकते हैं, पर टाइम वाला दोस्तों एक अलग ही लेवल में चल जाता है। ठीक है लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाए 6 यूनिट जहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए, ये भी हार्ड थी दोस्तों। मीन्स ऑफ नॉलेज पूछा गया था आज, तो ये थोड़ा अलग टॉपिक था इसलिए हार्ड है दोस्तों। DI की बात कीजिए तो एक पूरा दोस्तों एक टेबल थी जहाँ पर 4-5 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर नंबर सम के बारे में पूछा गया था। ICT की बात की जाए तो दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 थे, थोड़ी हार्ड थी क्योंकि यहाँ पर आज ICT के बारे में ही पूछ लिया गया कि ICT का मेन रोल होते क्या है, आउटपुट पूछ लिया गया कि इनमें से आउटपुट कौन सा हो सकता है और डिवाइस के बारे में पूछ लिया गया। अगली बात करते हैं दोस्तों पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंट की बात की जाए तो आज 8 के बारे में पूछा गया और दोस्तों आई थिंक ये तीसरा क्वेश्चन है जो इस पूरे सीजन में पूछा गया 8। तो दोस्तों आपको वाटर 8, ये जो भी एनवायरमेंट 8 है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है और यहाँ पर सोलर एनर्जी के बारे में पूछा गया था। हायर एजुकेशन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर रैंक आज पूछी गई थी कि किस कॉलेज की रैंक क्या चल रही है, तो आपको रैंक की भी पढ़नी है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। आप देखिए नए जो अब जो पेपर हो गए अपकमिंग, उसके लिए भी थोड़ा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। जो पेपर 9-14-17 तारीखों के, तो यहाँ पूछ सकता है कि दोस्तों अभी कोरोना के बाद जो हमारे स्कूल ओपन हुए उनका टाइमिंग क्या है, कौन से स्कूल कब ओपन किए गए थे, तो ये चीज़ें पूछ सकता है और NCP से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों PDF आपको मैं अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप पे भेज दूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।